हेलो दोस्तों, मैं राम आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जिससे कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आज का वीडियो मेरे टाइटल और मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि बेस्ट करियर आफ्टर 12th कॉमर्स, आप कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है, कौन सी डिग्री आपको करना है जिससे आप अपना करियर फ्यूचर में बना सकते हो फ्रेंड, तो ये वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल पे नए हो तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है फ्रेंड। और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो रहेंगे अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा कोर्स ऐसा है कि आप 12th के बाद कर सकते हो और अपनी और जो आपकी सैलरी आप अर्न में इन लैक्स अर्न कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। पूरी बात हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली आज मैं 15 कोर्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए, ठीक है। एक 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 कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा और आपको पता चलेगा कि ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं, ठीक है। इसके पहले थोड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए कोर्स के लिए रिलेटेड रिगार्डिंग, ठीक है। पहले क्या आएगा, आप कोई भी 12th कॉमर्स हो गए, ठीक है, 12th पास आउट हो गए, सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि फ्रेंड कि आप अपने आप को पहले सोचे नहीं कि मुझे क्या करना है। पहले आपको ड्रीम सेट करना है, आपको पर्पस सेट करना है कि आप क्या ड्रीम क्या है, ठीक है फ्रेंड। पहली बात तो ये देखिए, ड्रीम मतलब क्या है, ये नहीं कि मुझे MBBS भी करना है, मुझे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये मुझे MBA भी करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करना है, मतलब आपका ड्रीम बहुत है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक ड्रीम बनाना है, एक आपको गोल सेट करना है कि आपको यही एक्चुअली करना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है कुछ भी हो जाए। तो एक आपने ड्रीम सेट कर लिया, ठीक है। सेकेंड मुद्दा आता है कि अब आपको ये चेक करना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में इस कोर्स करने के लिए आप कर सकते हो कि नहीं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप MBA कोर्स कर रहे हो, ठीक है, एग्जांपल में बोलिए, ठीक है, उसको कोर्स करने के लिए आपको मिनिमम 10 लाख टू 15 लाख लगता है, मतलब 10 लाख से 15 लाख रुपये आपको लगता है कोर्स करने के लिए फ्रेंड, ठीक है। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है क्या करने के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। थर्ड चीज़ ये आता है कि कोई भी कोर्स आपका सैलरी डिसाइड नहीं करता है, मतलब कि कोर्स नेवर डिसाइड योर सैलरी। एग्जांपल के तौर पे कोई स्टूडेंट बोलता है कि तू बीकॉम किया है तो तुझे पक्का 20,000 रुपये सैलरी मिलेगा, ये आपको किसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। कोई कहता है कि MBA करो उसके बाद आपकी सैलरी लाख में मिलेगी, आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। पूरी फैक्ट बात करेंगे, मैं पूरा आपको रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, थर्ड, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट आता है कि आप कभी भी मतलब कि वॉट अदर से, मतलब कि आप दूसरे का चीज़ फॉलो मत करें, लोग क्या करते वो चीज़ भी फॉलो मत करो। मतलब कि मैं बीकॉम करूँगा तो तू भी बीकॉम कर, भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहा हूँ तू भी चलना चार्टर्ड अकाउंटेंट बन। तो फ्रेंड ऐसा गलती ना करिए, आप समझ गए होंगे कि मैं पहले ये मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि पहले आपको क्या करना है, आपको एक ड्रीम सेट करना है या गोल सेट करना है, मतलब गोल और ड्रीम बनाइए आप। उसके बाद चेक करिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उसके बाद आप ये पता करिए कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कोर्स आपकी सैलरी डिसाइड नहीं करता है। फोर्थ नंबर पे आता है कि आपको आपके फ्रेंड कुछ भी कहे, ठीक है, आपके फ्रेंड कुछ भी कहे वो आपको नहीं करना है। मतलब फ्रेंड के बहकाव में आपको कोई भी गलत कदम नहीं लेना है जिससे आपको करियर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, ये सब बात आपको इम्पोर्टेंट रखना है। फिफ्थ नंबर पे आता है कि आपको डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको डाउट अभी भी आपके माइंड में डाउट आ गया रहेगा कि अरे डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं, ये कैसा बोल आपका सवाल है। देखिए फ्रेंड क्या होता है, आप ग्रेजुएशन होने के बाद आप जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फर्म में जाते हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड, वहाँ पे आपको ये नहीं पूछता कि आपके डिग्री में ए ग्रेड आया ओ ग्रेड आया, वो नहीं पूछेगा आपको, आपके पास स्किल कितना है, आपके पास टैलेंट कितना है, आप कितना कम्युनिकेशन मतलब आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, वो डिपेंड करता है। तो फ्रेंड आप डिग्री के लिए पढ़ाई मत कीजिए, मेरा सजेशन है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें आप कौन सा नॉलेज गेन करो, एक्सपीरियंस लो, स्किल लो, कम्युनिकेशन लो, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट लगता है आज की डेट में। आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कंपनी में वर्क करते हो तो
ऐसा नहीं कि रटा बुक का चीज़ जो रटा रटा है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अलग की नॉलेज होना चाहिए, मतलब एडवांस नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कोर्स के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कोर्स एक 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 स्टेप बाय स्टेप कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब अभी तक आपको थोड़ा समझ में आ गया कि क्या मैंने एक्चुअली क्या बताया है कि आपको कभी भी क्या करना है कि आपको अपना ड्रीम सेट करना है, उसके बाद आपको अपना फाइनेंशियल कंडीशन चेक करना है। उसके बाद आपको भी पता चल गया होगा कि कोर्स कोई भी बता नहीं सकते कि सैलरी कितना मिलेगा। उसके बाद आप अपने फ्रेंड के बैकग्राउंड में मत आइए। और फिफ्थ पॉइंट पे आपको यही करना है कि आप डिग्री के लिए ना पढ़िए, आप स्किल एक्सपीरियंस टैलेंट के लिए पढ़िए फ्रेंड, ठीक है। आज की डेट में वही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कोर्सेज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो मैं भी कोर्स लिखा हूँ, आई थिंक सो 15 कोर्स होंगे, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ठीक है। 15 कोर्स के बारे में मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। इसके अलावा भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा। तो पहले 15 कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा खासा क्या है एक्चुअली बोला गया, ठीक है फ्रेंड। ये नहीं है कि मैंने जो कोर्स ऊपर लिखा है वो कोर्स बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, जो कोर्स नीचे लिखा है वो कोर्स को डिमांड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोर्स इक्वली है फ्रेंड। देखिए कोई ये बोलता है कि भाई तू बीकॉम मत कर, बीकॉम अच्छा नहीं है। कोई बोलता है कि सीएफए कर अच्छा है, कोई बोलता है कि सीए कर अच्छा है, सीए ख़राब है। देखिए फ्रेंड सबसे भूल हो जाती है, मतलब कि ये आपका रॉन्ग चीज़ है, मतलब कि आप रॉन्ग वे ले रहे हो। हर कोर्स अपने लिए इक्वल मायने रखता है, हर कोर्स की एक अलग अपना स्टेटस है। कोई भी कोर्स ख़राब नहीं है फ्रेंड, हर कोर्स में अपनी एक वैल्यू है, ग्रेड एडिट है, मतलब कि हर चीज़ में वैल्यू है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केस कैसे लेते हो, मतलब कि बीकॉम में एंटर कर लिया, ठीक है, बीकॉम में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मतलब घूम रहे फिर रहे हो, आप अपने डेडिकेशन से अपना वर्क नहीं कर रहे हो, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो कोई भी वर्क में, तो आप बोलोगे तो कोई पूछा आपको बीकॉम लेके कर रहा है भाई, ये गलत नहीं है फ्रेंड। कोर्स ख़राब नहीं है बीकॉम, अच्छा है, बट आप अच्छे से नहीं किए हो, ये आपकी गलती थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, फर्स्ट आप ले सकते हो बीकॉम कोर्स। बीकॉम कोर्स बेस्ट कोर्स करियर ऑप्शन आफ्टर 12, 12 कॉमर्स हो तो आप सबसे पहला कोर्स आता है बीकॉम कोर्स। बीकॉम स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये कोर्स जो होता है नॉर्मली हर जगह अप्लीकेबल है, हर सबसे मतलब बोला जाए तो ये कोर्स सबसे पहले आया है। ये सब कोर्स नहीं था उस टाइम, सबसे पहले ओल्डेस्ट बोलेंगे तो सबसे पहले बीकॉम कोर्स आया है। मतलब इंडिया में नहीं था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही आया है, मतलब कि ये आउटसाइड मतलब अब्रॉड भी चलता है, ठीक है। तो बीकॉम कोर्स एक नॉर्मल कोर्स है, इस कोर्स को कोई भी कर सकता है फ्रेंड, ठीक है। ये कोर्स की ड्यूरेशन 2 ईयर्स होगी, सॉरी 3 ईयर्स है। जैसे कि आप 12 के बाद बैचलर डिग्री करते हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो 3 साल का आपका यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाता है बीकॉम करने के लिए फ्रेंड, ठीक है। अब बात आती है कि बीकॉम कोर्स किसको करना चाहिए, ठीक है। बीकॉम कोर्स देखिए क्या होता है, बीकॉम कोर्स नॉर्मली मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, बीकॉम कोर्स सबके लिए कॉमन कोर्स है। जिन किसी को फाइनेंशियल कंडीशन की इशू है, मतलब कि फॉर एग्जांपल उनके पास इतना पैसा नहीं कि ये मतलब कि अदर बीएससी आईटी करे, मतलब कि आईटी सेक्टर में एमबीए कोर्स करे, तो जिसके पास 6-7 हज़ार रुपया सालाना, मतलब कि इसकी फ़ीस 6-7 हज़ार रुपये रहती है हर कॉलेज में, मतलब कि मैक्सिमम 10,000 to 12,000 तक होता है। मतलब कि मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो मुंबई में आपको यहाँ इसकी फ़ीस 6-7,000 आपको लग जाएगा, मतलब 7,000 रुपये तक ये कोर्स को आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। 2 साल की ड्यूरेशन होती है। ये कोर्स करने के बाद आपको कोई पूछेगा जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है, तो जॉब आपको नॉर्मल जॉब मिलेगा 10,000 to 11,000 मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। ये कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, बीकॉम कोर्स के बारे में आप पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। सेकेंड पे आता है बैफ। देखिए बैफ क्या है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बैचलर क्या है, अकाउंटिंग एंड, मतलब कि बैफ स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जिस किसी को अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स को परस्यू कर सकता है। किसी स्टूडेंट को सीए बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट में, उसका मतलब कि 12 के बाद सोचा है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाना है, तो बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में डायरेक्ट एंट्री नहीं मारना है, बट मुझे एक थोड़े से अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, तो आप सबसे अच्छा कोर्स है बैफ कोर्स। आप ये कोर्स को लेते हो तो इस कोर्स में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलती है, इन डेप्थ नॉलेज मिलती है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे आपको पूरी थ्योरी होती है, मतलब सॉरी थ्योरी नहीं, आपको यहाँ पे पूरी प्रैक्टिकल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया आपको यहाँ पे, उसके बाद आपका जीएसटी होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे
मतलब कि पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, 2, 3 बहुत सी चीज़ सीखने मिलता है फ्रेंड। ठीक है, जिस किसी को सीए कोर्स करना है वो बैफ कोर्स कर सकता है फ्रेंड। सबसे अच्छा कोर्स ये है, आप भी के डिमांड में बोलेंगे ट्रेडिंग चल रहा है, बैफ कोर्स। थर्ड नंबर पे जो कोर्स आता है बीबीआई, बीबीआई मतलब होता है कि बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। किसी स्टूडेंट को बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में कुछ नॉलेज पता गेन करना है, बैंकिंग सेक्टर में इसको जॉब करना है, इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करना है, तो ये कोर्स को परस्यू कर सकता है। सेम इस कोर्स की भी 3 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है, ठीक है, इसकी भी 3 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है। मोस्टली देखोगे आप 12 के बाद जो भी कोर्स होते हैं उसकी ड्यूरेशन 3 ईयर्स की होती है फ्रेंड। ठीक है, बीबीआई कोर्स 3 ईयर्स का होता है। जैसे कि आप कोई बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करना है तो आपको इसमें नॉलेज अच्छी खासी मिल जाती है फ्रेंड। तो जैसे कि बीकॉम, बैफ, बीबीआई तीनों की कोर्स की डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी फ्रेंड, आप वहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। किसी स्टूडेंट को आईटी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, मतलब कि आईटी सेक्टर में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डीकोडिंग करना, मतलब कि इंजीनियर, मतलब कि देखिए ना होता ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, वेब डिज़ाइन करना, तो ये कोर्स को ले सकते हैं। अगेन सेम 3 ईयर ड्यूरेशन। ये कोर्स की जॉब की बात करेंगे फ्रेंड, तो जॉब अच्छा खासा आज की डेट में आईटी में डिमांडेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि आज की डेट में आईटी में डिमांड बहुत चल रहा है। सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना, डीकोडिंग कैसे करना, तो ये सब आप यहाँ पे सीखते हो फ्रेंड। ठीक है, सेम अगेन 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है। हाँ, एक चीज़ और है कि ये सब की कोर्स की फ़ीस, ये सब कोर्स की फ़ीस यहाँ पे मुंबई में आपको 20 से 22 हज़ार रुपये लगता है, मैक्स टू मैक्स 25,000 तक लग जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अभी तक। फोर्थ नंबर पे आपका आता है, सॉरी फिफ्थ नंबर पे बीबीए, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि क्या, बीबीए कोर्स प्लस एमबीए, मतलब कि किसी स्टूडेंट को एमबीए कोर्स करना है, मतलब 12 के बाद सोचते हैं ना भाई मुझे एमबीए करना है, बिजनेसमैन बनना है, तो वो सोचते हैं कि 12 के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करूँ कि जो मैं बीएमएस कर सकता हूँ, मतलब अच्छा खासा, मतलब कि एक होते हैं ना एक वे में जा रहे हो, तो जिसको बीएमएस करना है वो बीबीए पहले करे, क्योंकि पहले बैचलर डिग्री ले उसके बाद आप अपना मास्टर डिग्री कर सकते हो, एमबीए जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बीबीए के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का ये मास्टर करना पड़ेगा, आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ठीक है, ये भी सेम अगेन 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है। किसी को बीएमएस करना है, बैचलर ऑफ मास, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बीएमएस कोर्स नॉर्मल कोर्स है ये कोर्स, जिसको मैनेजमेंट में स्टडी करना है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो ये कोर्स को ऑप्ट कर सकता है फ्रेंड। ठीक है, सेम अगेन 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद आपका आता है बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जिस किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल मतलब कि आप देखोगे शेयर मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट जो बहुत ज़्यादा ही आज के डेट में ट्रेडिंग चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपको 3 साल का ड्यूरेशन हो जाता है। जो फीस की बात करेंगे यहाँ पे 20 से 22 हज़ार रुपये आपका फीस लग जाता है। किसी को अपना करियर होटल मैनेजमेंट बनाना है फ्रेंड, किसी को करियर अपना होटल मैनेजमेंट बनाना है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, आपको 12 के बाद डायरेक्टली होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो। इसकी कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है आई थिंक कभी कभी समटाइम इसकी 4 ईयर्स की भी ड्यूरेशन होती है। बेसिकली आपको देख सकते हो फ्रेंड, बेसिकली आपकी जो ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स की होती है, बट जब होटल मैनेजमेंट आप करते हो तो उसकी ड्यूरेशन आपकी 4 ईयर तक एक्सीड हो जाती है। हर कॉलेज की, हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग डिमांड है हर, ठीक है, इसलिए 4 ईयर की थोड़ी हो जाती है। और लगभग आपको देखेगा कि आज के डेट में जो होटल मैनेजमेंट कोर्स है इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी डिटेल में मैंने बताया कि करियर आप कैसे बना सकते हो होटल मैनेजमेंट में। होटल मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे होगे, आप एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी होटल में जाते हो, आप रुकते हो तो वहाँ के स्टाफ, वहाँ के देखते हो कि वहाँ के इवेंट मैनेजर कैसे वर्क कर रहे हैं, वहाँ के जो रिसेप्शन होते हैं वहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हो, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे फूड एंड बेवरेज क्या है, मतलब कि वहाँ पे पूरा चीज़ आपको सिखाया जाता है होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है फिलहाल, तो अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिए पूरा डिटेल में वीडियो। ठीक है, बीएमएम सबसे मोस्ट फेवरेट कोर्स
डिग्री जो आप कर सकते हो मास मीडिया में जर्नलिस्ट करना, मतलब कि देख सकते हो आप जो न्यूज़ चैनल पे देखते हो मास मीडिया कम्युनिकेशन, आप न्यूज़ देखते हो तो देखिए ना वहाँ पे जो बैचलर मास मीडिया जर्नलिस्ट होते हैं टीवी पे इंटरव्यू, वो सब क्या है आप कर सकते हो। मास मीडिया आज के डेट में अच्छा खासा है, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कैसा दूसरे को परस्यू, देखिए ना आप न्यूज़ चैनल पे आप देखते रहोगे यार कैसे कैसी बात करके लोगों को वो कर देते हैं, मतलब कि पूरा सच उगला देते हैं, मतलब कि आपको बात करना अच्छा आना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छा फेवरेट ये है कि BA LLB, आप LLB कोर्स को कर सकते हैं। देखिए LLB कोर्स लोगों को एडिक्वेट बनना पसंद है, खुद का कंसल्टेंट ओपन करके बैठना अच्छा लगता है, कि फॉर एग्जांपल आप देखे रहोगे आप कभी इनकम रिटर्न फाइलिंग करने जाते हो तो एक एडिक्वेट के पास जाते हो, तो आज की डेट में एडिक्वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खासा अच्छा खासा अर्निंग होता है। बट एक चीज़ ये है कि जब आप LLB कोर्स करते हो तो दो चीज़ इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, दो चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, इसका पेपर जो होता है पेपर आप दे के पास हो जाओगे 100%, बहुत इजी होता है पेपर, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, बट आप यहाँ पे फंस सकते हो जब आप एक एडवोकेट कैसे डील करता है, कैसे बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। आप देखे रहोगे वकील के सामने जो जज होते हैं, जज के लोग कैसे बात करते हैं, वो आपको बात करने आना चाहिए, जिसको बात को बहका करने आता है, जिसको अच्छा खासा नॉलेज है ये सब काम में, तो वो LLB कोर्स करता है। पेपर इजी होता है फ्रेंड, पेपर में कोई टेंशन नहीं है, पेपर आपको यहाँ पे इजी करने इजीली आप पास हो जाओगे, बट यहाँ की जो उसकी ट्रेनिंग होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आपको लगभग इतना कोर्स समझ में आ गया होगा, 10 कोर्स हो गया हमारा, कि जिस किसी को बैचलर इन इकोनॉमिक्स में PhD करना है, इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना है, वो कोर्स कर सकता है, 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है फ्रेंड, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका जो नॉर्मल थी बैचलर डिग्री। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल कोर्स, कि आप 12 के बाद भी प्रोफेशनल कोर्स को कर सकते हो, इसके साथ साथ आप ये कोर्स को भी परस्यू कर सकते हो। देखिए सबसे पहले नंबर 12 पे आता है CA चार्टेड अकाउंटेंट, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट आपको नाम से पता चल गया कि क्या हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट एक क्या प्रोफेशनल कोर्स है। ये जो कोर्स की ड्यूरेशन की बात करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन 4 to 5 ईयर होता है, आप डिपेंड करता है कि आप कितने अटेम्प्ट में स्टडी करके आप अपने पास हो जाते हो, क्योंकि ये कोर्स में आपकी ट्रेनिंग 3 ईयर से ट्रेनिंग होती है, और भी वगैरह जो पेपर्स होते हैं। मैंने चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर वीडियो अपलोड किया है, पूरी डिटेल में डिस्कशन किया है कि इसके पेपर्स कौन से होते हैं, इसके सब्जेक्ट क्या है, कितने मार्क्स की क्राइटेरिया होती है, तो पूरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी फ्रेंड, ठीक है। आज के डेट बात ये आती है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी फ्रेंड, ठीक है, सैलरी भी इंपॉर्टेंट होती ना, तो सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे तो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे रैंकिंग से आपके अपनी स्टडी की हो, चार्टेड अकाउंटेंट कितने अच्छे रैंक पे बने हो, उसके बाद आपकी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब लगी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगी है, तो इसकी जो अर्निंग होगी सैलरी की पर मंथ की बात करेंगे, और पर एनम पर मंथ की बात करें तो डिपेंड करता है कि इसकी कम से कम सैलरी में बोलो 1.5 लाख 2 लाख रुपया हो सकता है, और सालाना सैलरी बोलेंगे तो कम से कम 20 लाख 25 लाख रुपये भी हो सकते हैं, समटाइम कभी कभी 50 लाख रुपये भी कमा सकते हैं एक चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, डिपेंड करता है, 1 करोड़ भी हो सकता है फ्रेंड, ठीक है। 13 नंबर पे आता है कंपनी सेक्रेटरी, किसको कंपनी सेक्रेटरी बनना है। देखिए आप देख सकते हो कंपनी सेक्रेटरी आज के डेट में बहुत डिमांड है, हर लोग को कंपनी अपना एक सेक्रेटरी अपॉइंट करके रखना पड़ता है। आप देखे रहोगे 12th पढ़े रहोगे 11th 12th में आपको एक वो पढ़े रहोगे कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, कंपनी जो आप पढ़े रहोगे SP सेक्रेटरी प्रैक्टिस आप पढ़े रहोगे, सेक्रेटरी प्रैक्टिस एक सेक्रेटरी कैसे मिनट्स ग्रुप तैयार करता है, कैसे एजेंडा होता है, आप पूरा पढ़े रहोगे, तो आप इसका कोर्स कर सकते हो, कैसे कंपनी सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होना, सबसे ट्रेडिंग अच्छा खासा जॉब आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। देखिए जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है ये जो देखिए ये अलग कोर्स क्यों है बताइए, बताओ क्या, ये कोर्स में ना कोई डोनेशन लगता है, ना कोई क्राइटेरिया है कि कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉमर्स का ही स्टूडेंट कर सकता है, यहाँ पे साइंस और आर्ट के स्टूडेंट भी ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। आप एक तो बता दिया कि आपके यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करते थे कि जो ये लीगल बॉडी की है CA कौन कंडक्ट कराता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराती है। उसके बाद ये आता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया
ICSI वो कराती है, ठीक है। CMA सबसे थर्ड 14 नंबर पे आता है। CMA मतलब होता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि कैसा होता है देखिए फ्रेंड, एक CA स्टूडेंट है और फॉर एग्जाम्पल मैं मुझे CA कोर्स तो नहीं कर पाऊँगा यार, डिफ़िकल्ट है, तो उसके अलावा कोई कोर्स है क्या जो मैं कर सकता हूँ? तो जी हाँ, CMA कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आप इस कोर्स को कर सकते हो आफ्टर 12 कॉमर्स के बाद, ठीक है। कैसे कर सकते हो देखिए, इस कोर्स के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पूरा देख सकते हो कि क्या एक्चुअली होता है। CMA मतलब क्या होता है कि ये आदमी क्या कर सकता है, ये कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, एक अच्छी सी बात बताते हो, कॉस्ट ऑडिट CMA पर्सन कर सकता है, बट एक CA कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता है। सबसे अच्छा एडवांटेज ये है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसकी भी सेम 3 लेवल की एग्ज़ाम होती है, यहाँ पे आपका CMA फाउंडेशन होता है, CMA इंटरमीडिएट होता है, उसके बाद CMA फाइनल होता है। तो इसके यहाँ पे 3 एग्ज़ाम होती है, इसके ड्यूरेशन होते हैं अच्छा खासा। सेम आपकी यहाँ पे जो जॉब होती है, आप अच्छा खासा एडवोकेट बन सकते हो, आप किसी कंसल्टेंट कर सकते हो, आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, कोर्स ऑडिटिंग कर सकते हो, तो ये सब सारे ढेर सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्रेंड। ये सब कोर्स करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी लग सकती है, ठीक है। CFA क्या है फ्रेंड? चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्टिक्स। क्या है ये कोर्स? ये कोर्स नया कोर्स आपको दिख रहा होगा, ये सब तो आप सुने लोगे। CFA क्या है? देखिए CFA मतलब क्या होता है, ये जो CFA कोर्स होता है ये ग्लोबली रिकग्नाइज है, मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये इंडिया में ही चलता है, ये 180 कंट्री मतलब कि 180 देशों में ये कोर्स को ऑप्ट लिया जाता है, ये कोर्स को रिकग्नाइज किया गया है। और आप ये कोर्स करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको इंडिया में ही जॉब मिलेगी, आपको अदर स्टेट में भी, अदर कंट्री में भी जॉब आपको मिलेगी। CFA कोर्स क्या है? ग्लोबली रिकग्नाइज कोर्स है, मतलब कि ऑल इंडिया, ऑल मतलब कि पूरा चलता है, मतलब ऑल एब्रोड पूरा वर्ल्ड चलता है ये कोर्स। 180 कंट्री मतलब क्या फ्रेंड, इंडिया को अलावा छोड़ के आप देख सकते हो 180 कंट्री में आपका ये कोर्स कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। CFA हो गया, ठीक है, तो ढेर सारा आप समझ गए लोगे। तो देखिए फ्रेंड मैं बता देता हूँ, BCom की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, BAF का भी डाला हूँ मैं, BBI, BCA, BBA और BMS, BFM, BHM, BMM, ये सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पूरा डिटेल में आप देख सकते हो कि ये कोर्स वाकई में मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। LLB के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, वीडियो नहीं बनाया है, और बैचलर इन इकोनॉमिक्स में भी वीडियो नहीं बनाया है। चार्टेड अकाउंटेंट की वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी CMA सब पे मिलेगी, बट इस पर मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया है। देखिए अब बात करते हैं कि ये सब कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है, इसके मैं बता दूँगी 5 ईयर्स हो जाएगी, इसकी ड्यूरेशन आपको 3 to 4 ईयर हो सकती है। CMA कोर्स करने के लिए भी आपको 4 साल 4.5 साल लग जाता है, और CFA कोर्स करने के लिए आपको 2.5 साल आपको लग जाता है फ्रेंड, ठीक है। ये रही बात 12 कॉमर्स के बारे में, ये तो मैं आपको जैसे बोला था कि आपको इसके अलावा कौन सा कोर्स है, ठीक है। किसी स्टूडेंट को फैशन डिज़ाइन में जाना है तो फैशन डिज़ाइन भी आप कोर्स कर सकते हो, एनिमेशन का भी वर्क आप कर सकते हो, किसी स्टूडेंट को IAS IPS ऑफिसर बना है तो उसका भी आप वर्क कर सकते हो, किसी स्टूडेंट को कमांडर बनना है, किसी बॉर्डर पे मतलब कि आर्मी बनना है तो उसका भी आप वर्क जॉब कोर्स कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्स आर अवेलेबल फॉर यू। 12 के बाद आपको बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है फ्रेंड, आप कोई भी फ्रेंड चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग में बोला हूँ, आपका मकसद पहला होना चाहिए करियर, आपका गोल क्या है वो इंपॉर्टेंट लगता है। गोल तो है तो उसके बाद आपको चेक करना है कि फाइनेंशियल कंडीशन है कि नहीं, ठीक है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल, मैं अब रियल स्टोरी सुनाता हूँ क्या हुआ था एक्चुअली। देखिए अब आपको बता दूँ कि सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं करता है फ्रेंड, की सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं करता है। अब देखिए क्या हुआ, मेरा भाई, मैं अपने भाई की बात बता रहा हूँ, मेरा छोटा भाई जो है, मेरा भाई तो ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन करके वो जॉब कर रहा है क्रोमा में, करता था पहले। तो क्या वो फ्रेंड, ठीक है, वहाँ पे मेरे भाई को आई थिंक सो 10 या 15,000 जो इसकी सैलरी थी, ठीक है। और मैंने अपने भाई से एक्सपीरियंस शेयर किया था कि भाई एक्चुअली में जब अपन काम करने जाते तो कैसा होता है, मतलब वहाँ पे सैलरी कैसी होती है मतलब। तो भाई ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे आपकी डिग्री और कोर्स पे डिपेंड करके पैसा आपको नहीं मिलता है। मेरे साथ एक 12 पास आउट स्टूडेंट लड़का था, उसको भी 15,000 रुपये मिलता था, और मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, मुझे भी 15,000 रुपये मिल रहे हैं फ्रेंड, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक बंदा 12 पास आउट करके भी उसको 15,000 रुपये कमा रहा है, जो 15 अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी 15,000 रुपये कमा, तो फ़र्क क्या है
देखिए फ़र्क कुछ भी नहीं, इसलिए मैं बोला था आपको कि कोई भी कोर्स डिसाइड नहीं करता है आपका सैलरी कितना हो जाएगा। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो आपको मायने रखता है कोई भी काम करने से। तो मैंने पूछा भाई से कि भाई ट्वेल्थ वाले को इतना क्यों मिलता है। बोला भाई ने बोला कि ट्वेल्थ वाला जो जो काम करता था वर्कर है, उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा था, उसके बाद कैसे इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी ना, वो कैसे लोगों को परस्यू करके अपने बैकग्राउंड में करता था, उसकी स्किल, उसका काम करने का स्मार्टनेस वर्क कैसा था। तो देखिए फ्रेंड, आपको रियली समझ में आता कि ऐसा वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए कम पढ़ा आदमी भी वो कमा रहे हैं, और इतना कड़ा बड़ा बड़ा मतलब कि आप उतना पढ़ के भी आप उतना कमा रहे हैं, तो फ़र्क क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छा खासा डिग्री के ऊपर भागिए मत, आप नॉलेज गेन करिए और स्किल गेन करिए फ्रेंड, ठीक है। मेरा बोलने का मकसद यही था। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे बोलना था। वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, और भी आपको कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग क्वेरी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आपको जो भी रिप्लाई रहेगा SOS पॉसिबल कर दूंगा फ्रेंड, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक्स यू वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।